नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। टूट गई प्रियंका चोपड़ा के भाई की शादी। मां मधु ने किया इस खबर को कंफर्म। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी टूट गई है और अब मां मधु चोपड़ा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ और इशिता ने आपसी रजामंदी से शादी न करने का फैसला लिया है। उन्होंने शादी कैंसिल होने के पीछे के कारण का खुलासा नहीं किया है। बता दें कि सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन अचानक से उनकी शादी टल गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि शादी टलने की वजह सिद्धार्थ की मंगेतर इशिता की अचानक होने वाली सर्जरी है। वही ऐसी भी चर्चाएं होने लगी थी कि शायद कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि इशिता ने सर्जरी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। फोटोज में वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई नजर आ रही थी। हालांकि गुरुवार को इशिता ने एक तस्वीर पोस्ट की। फोटो में वो एक रेस्टोरेंट बार में बैठी हुई है। फोटो के साथ ही उन्होंने लिखा, चीयर्स टू न्यू बिगनिंग विद अ गुड बाय किस टू ब्यूटीफुल एंडिंग। वही इशिता की माँ निधि कुमार ने भी उनकी पोस्ट पर कमेंट कर कहा, पुरानी किताब को बंद करो और नई स्टोरी लिखो। इतना ही नहीं, इशिता के पापा ने भी कमेंट करते हुए लिखा कि हम तुम्हारे साथ हैं, यूनिवर्स का विस्तार महसूस करो और वो सितारा बनो जिसके लिए तुम पैदा हुई थी। बता दें कि इशिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी और सिद्धार्थ की रोका सेरेमनी की सभी फोटोज डिलीट कर दी है। इसके अलावा इशिता की सिद्धार्थ के साथ जो भी तस्वीरें थी वो भी उन्होंने अपने अकाउंट से हटा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ चोपड़ा और इशिता की रोका सेरेमनी 27 फरवरी को हुई थी। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने सेरेमनी की फोटोज को भी अपने अकाउंट से शेयर किया था। बहरहाल अब जो प्रियंका की मम्मी ने बेटे सिद्धार्थ की शादी की टूटने की खबर को कंफर्म किया है, तो यकीनन प्रियंका और उनके भाई के फैंस का दिल टूट गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।